नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया की जिस भी वस्तु के संपर्क में हम आते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। मानव के जीवन में धातुओं का बड़ा महत्व है और धातुओं के संपर्क में हर समय हम किसी न किसी तरीके से बने रहते हैं। आज आपको बताएंगे अलग अलग धातुओं का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है और कौन सी धातु का कैसे इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 फरवरी 2024, दिन सोमवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 5:24 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः काल 7:54 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और मंगल विद्यमान है धनु राशि में, सूर्य बुध विद्यमान है मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। तो हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग मेटल्स के बारे में, अलग अलग धातुओं के बारे में, और सबसे पहले बात करेंगे सोने के बारे में, यानी स्वर्ण के बारे में, गोल्ड के बारे में। क्या है इसकी विशेषता? देखिए, दुनिया की सारी धातुओं में सबसे ज्यादा ऊर्जावान धातु, सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड धातु सोना है। इस धातु का सीधा संबंध होता है बृहस्पति के साथ। सोना अगर आप धारण करते हैं तो पाचन तंत्र पर, पेट पर, आपके क्रोध पर, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता पर, आपकी प्रशासनिक योग्यता पर यह सीधा असर डालता है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि के लिए ये धातु बड़ी शुभ होती है, इनको सोना अवश्य पहनना चाहिए। कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए सोना बहुत अनुकूल नहीं होता, इनको सोना अगर पहनाया जाए तो इनका एग्रेशन बढ़ेगा और इनका डाइजेशन बिगड़ेगा। दूसरी धातु की बात करते हैं, उसे कहते हैं तांबा यानी कॉपर। तांबे के अंदर जो गुण होते हैं ये जल के भी होते हैं और अग्नि के भी होते हैं, दोनों गुण हैं, जल तत्व भी है और फायर यानी अग्नि तत्व भी है।
आम तौर पर तांबा मेडिसिनल धातु, औषधीय धातु है और इसका सीधा संबंध सूर्य और मंगल से होता है। जब आप तांबा पहनते हैं तो आपके त्वचा पर, आपके ब्लड सर्कुलेशन रक्त प्रवाह पर और पाचन तंत्र आपके पेट पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तांबा पहनने से त्वचा और डाइजेशन तुरंत प्रभावित होता है और ब्लड सर्कुलेशन पर भी इसका असर आ जाता है। मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये धातु बहुत अनुकूल होती है। मेष, सिंह और वृश्चिक वाले अगर इस धातु का प्रयोग करें, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी मानसिक ताकत बढ़ेगी। मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए ये धातु अनुकूल नहीं होती। मिथुन, तुला और कन्या राशि वाले अगर तांबा पहने तो उन्हें तांबा पहनने से नुकसान हो सकता है। कुछ और धातुओं की बात भी करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। परिवार का सहयोग हालांकि आपके साथ बना रहेगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार की तमाम चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं एक और धातु के बारे में जिसे कहते हैं लोहा यानी आयरन। सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु लोहा है, क्योंकि लोहे का बहुत सारा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग तरीकों से पड़ता है। लौह धातु जो है ये शनिदेव की धातु मानी जाती है। जब आप लोहा धारण करते हैं या लोहे के संपर्क में आते हैं तो रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन आपकी हड्डियों पर, आपके बालों पर और आपकी कोशिकाओं पर इस धातु का असर ज्यादा पड़ता है। लोहा पहनने से जो शरीर की स्ट्रेंथ है, जो शरीर की ताकत है, वो बहुत ज्यादा बढ़ती है अगर लोहा आपको सूट करे। लौह धातु यानी लोहा मकर और कुंभ राशि के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल मानी जाती है। सिंह राशि वालों के लिए
लोहा धारण करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हालांकि अगर शनि संबंधी पीड़ा है, शनि संबंधी खराब स्थिति चल रही है, तो लोहे का छल्ला या लोहे का कड़ा पहनना बहुत बेहतर होता है। अब बात करते हैं एक और धातु की जिसका नाम है स्टील। देखिए, स्टील के जो गुण होते हैं, इसकी मजबूती, इसकी स्ट्रेंथ, ये शनि से काफी मिलती जुलती है, लोहे से काफी मिलती जुलती है। लेकिन स्टील जो है ये राहु और केतु की धातु है, क्योंकि ये कंपाउंड मेटल है, इसलिए राहु और केतु इसमें शामिल हैं। जब आप स्टील के संपर्क में आते हैं तो दुर्घटनाओं पर, कम्युनिकेशन यानी संचार पर और शक्ति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जिन जिन लोगों को दुर्घटनाओं की, संचार की, कम्युनिकेशन की या बार बार उतार चढ़ाव की समस्या हो, ऐसे लोगों को स्टील का कड़ा या स्टील का छल्ला पहनना चाहिए। आप अपने व्यापार में या नौकरी में बार बार के उतार चढ़ाव से परेशान हैं, तो एक स्टील का छल्ला पहनिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कुछ अन्य धातुओं पर भी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। करियर में इस समय आपके कुछ परिवर्तन हो सकता है। दोपहर के बाद धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की समस्या हल होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खान पान में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, नए काम की शुरुआत होगी। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होती जाएगी। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर की समस्या आपकी हल होगी। शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं चांदी के बारे में। चांदी यानी सिल्वर, रजत। चांदी जो धातु है ये बहुत शीतल धातु है और औषधीय प्रभाव से, मेडिसिनल गुणों से युक्त है। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। हालांकि शुक्र से भी इसका कनेक्शन है, लेकिन ज्यादातर चांदी का संबंध चंद्र के साथ होता है। ये धातु शरीर में कफ और जल तत्व को नियंत्रित करती है। आप चांदी पहने और आपको सूट करे तो कफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, शरीर दुबला होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा।
और चांदी पहनने का असर आपके मन पर भी पड़ता है। चांदी पहनने से साइकोलॉजिकल समस्याएं दूर होती हैं और अगर चांदी सूट न करे तो मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लिए ये धातु शुभ मानी जाती है। जल तत्व की जो राशियां हैं उनके लिए चांदी शुभ है। मेष, सिंह, धनु और मकर, इन राशि वालों के लिए ये धातु आम तौर पर बेहतर नहीं होती। जिन लोगों को बार बार कोल्ड कफ की समस्या होती हो या जिनके शरीर में स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा होती हो, जिनको नींद बेहतर ना आती हो, ऐसे लोग चांदी का एक गिलास खरीद लें और नियमित रूप से चांदी के गिलास से पानी पिए, उन्हें लाभ होगा। अब एक और कंपाउंड धातु है पीतल, जिसको ब्रास कहते हैं। ये धातु शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है और इसमें थोड़ा सा अंश जल तत्व का पाया जाता है। पीतल का संबंध होता है बृहस्पति और चंद्रमा के साथ। जब आप पीतल पहनते हैं या इसके संपर्क में आते हैं तो इस धातु का असर शरीर के पित्त पर, त्वचा पर और आंखों पर पड़ता है। अगर आपको पीतल सूट करे तो आपके पित्त की समस्या दूर हो जाएगी और अगर आपको पीतल सूट ना करे तो पित्त की समस्या होगी और कभी कभी जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन, इन राशि वालों के लिए ये धातु शुभ होती है। वैसे पीतल के बारे में कोई सीधी लाइन नहीं खींच सकते, लेकिन जहां सोना पहनना है आपको और सोना अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप पीतल धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पीतल का कड़ा, पीतल का छल्ला या पीला पुखराज भी आप पीतल में बनवा करके पहन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, काम की अधिकता रह सकती है, शाम से आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं दूर होंगी, सर्दी जुखाम से सावधान रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, तमाम जीवन की समस्याएं हल होती जाएंगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका हाल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
रात को सोने के 3 घंटे पहले तक चाय पीना और कॉफी पीना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप रात को सोने के पहले तक चाय और कॉफी पीते रहेंगे तो आपको नींद में समस्या हो सकती है। यानी अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे के बाद चाय और कॉफी मत पीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 5 फरवरी को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।